हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं तो गाइस आज हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है ए बायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में बट बिफोर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द क्लास अगर आपने अभी तक अड्डा ट्वेंटी की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन बहुत सारे फीचर्स हैं इस एप्लीकेशन में आपको टाइम टू टाइम जॉब देना सब्जेक्ट वाइज क्विज प्रोवाइड करना पावर कैप्सूल्स देना ये सब इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है आपको बस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ऐप के लिंक पर क्लिक करना है इसे डाउनलोड करके लॉग इन कीजिए लॉग इन करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए जब आप एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनेंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज कोइज पावर कैप्सूल्स कैप्सूल आपको मिलेंगे जो आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ जो भी आपके पेड बैचेस हैं उनमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है आपको अगर आप एप्लीकेशन के द्वारा एनरोल करते हैं क्योंकि एप्लीकेशन में मिलते हैं कुछ कॉइन्स जिनको यूज़ करके आप पा सकते हैं अपने सभी पेड बैचेस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देन योर वेबसाइट तो हमेशा जब भी पेड बैच में एडमिशन लेना हो तो एप्लीकेशन के थ्रू ही लें और वेबसाइट के थ्रू ना लें कुछ पैसे आपके बच जाएंगे ठीक है साथ ही साथ सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ये एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको सुबह दस बजे से लेकर शाम के दस बजे तक कंटिन्यूसली क्लासेस मिलती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर तो जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में जुटे हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं क्लासेस हो रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें और आप बिना मिस किए उन्हें अटेंड करते रहें और अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगाते रहें नाउ वी आर हेडिंग टू द टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है जैसा कि मैंने बताया वो है ड्रॉट रेजिस्टेंस तो अच्छा इफेक्ट आ रहा है पीछे नहीं <laughs> चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में विच इज अ ए बायोटिक फैक्टर गाइस टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस में हम पढ़ते हैं द तो वन इज एबायोटिक फैक्टर है ना एक एबायोटिक फैक्टर होता है और एक बायोटिक फैक्टर होता है ठीक है बायो जिसमें बायो लग जाता है है ना जैसे बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी बायो bio का मतलब होता है लाइफ राइट right? तो लाइफ बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि पेस्ट हैं है ना आपके इंसेक्ट्स हैं आपके रैट्स हैं तो ये हमारी क्रॉप को खराब कर देते हैं हमारे पैथोजेंस हैं जैसे कि फंगस हो गया बैक्टीरिया होगा वायरस हो गया ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट में एक अनहेल्दी कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं राइट तो ये क्या है ये बायोटिक फैक्टर्स हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं वहीं ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है ना जैसे कि ड्रॉट हो गया ड्रॉट किस वजह से होता है हाई टेम्परेचर की वजह से वाटर स्कैरिसिटी की वजह से है ना उसी तरीके से चिलिंग इंजरीज भी हो सकती हैं जो कोल्ड कोल्ड एरिया में क्रॉप्स रहती हैं है ना उनको चिलिंग इंजरीज हो सकती है फ्रीजिंग इंजरी हो सकती है तो ये और वाटर लॉगिंग हो सकती है कोई बाढ़ वाला एरिया है जहां पानी ज्यादा टाइम तक भरे रह गया है जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड लॉस हो रहा है तो वो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं लाइफलेस फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बायो फैक्टर्स वो होते हैं बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है जैसे इंसेक्ट्स हैं पैथोजंस हैं बैक्टीरिया

रेजिस्टेंट लोग होते हैं है ना तो आज हम ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे अपने इस क्लास में जैसा ये पेड़ इन मुश्किल हालातों में खड़े रहते हैं आपको भी अपने जीवन में हर मुश्किल हालात में इसी तरीके से डटे रहना है खड़े रहना है इसके लिए बहुत सारे मकानिज़म्स आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं वेल well, प्लांट कौन सी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं आइए देखते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ हम किस कंडीशन को ड्रॉट कंडीशन कहेंगे है ना विच कंडीशन विल ऑल कॉल्ड एज ड्रॉट कंडीशन भाई अगर मैं प्यासा हूँ यानी कि मेरी बॉडी को पानी की ज़रूरत है और मैं पानी नहीं पी रही हूँ या मुझे पानी नहीं मिल रहा है दोनों ही केसेस में मेरी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी तो क्या हो गया ड्रॉट आ गया है ना तो जब आपके प्लांट को पानी जितनी मात्रा में चाहिए होता है अगर उसे उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है या वो नहीं ले पा रहा है कोई भी कंडीशन हो प्लांट की बॉडी में ड्रॉट आ चुका है राइट सो इन एडिक्वेसी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि वाटर कम मिल रहा है इंक्लूडिंग प्रेसिपिटेशन और सॉयल मॉइस्चर चाहे वो कम रेनफॉल की वजह से हो कि भाई इस साल तो बारिश नहीं हुई या ग्राउंड वाटर यानी कि सॉइल में मॉइस्चर खत्म हो गया हो जब सॉइल में मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो सॉइल कुछ इस प्रकार की आपको दिखती है क्रैकी हो जाती है क्योंकि वो ज्यादा सूख जाती है, है ना इन द क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ क्रॉप टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ द फुल जेनेटिक ईल्ड पोटेंशियल यानी कि जितना पानी प्लांट को चाहिए उसको उतना पानी नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से प्लांट अपनी मैक्सिमम ईल्ड पोटेंशियल पर नहीं पहुंच रहा है जो काम आप पूरे दिन में कर सकते हो है ना कई बार होता है ना जैसे कि करवा चौथ का फास्ट आने वाला है, है ना उस दिन मुझे भी फास्ट रखना पड़ता है तो उस दिन थोड़ी लो एनर्जी फील होती है आफ्टर सम टाइम इन द मॉर्निंग नहीं फील होती क्योंकि वी कैन नॉट टेक एनी लिक्विड है ना हम कोई लिक्विड नहीं ले रहे हम पानी नहीं ले रहे तो शरीर थोड़ा सा लो एनर्जेटिक फील करेगा तो जो मैं रोज काम कर रही हूँ आज मुझे उस काम को करने में दिक्कत हो रही है सेम इज विथ द प्लांट जितनी एल्ड वो जनरली प्रोड्यूस करते हैं हेल्दी इनवायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं ड्रॉट कंडीशन में वॉटर स्कैरसिटी कंडीशन में प्लांट उतनी ईल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इन एडिक्यूसी ऑफ वॉटर तो इसको हम कहेंगे कि भाई ड्रॉट कंडीशन आ गई है प्लांट में है ना तो ड्रॉट मकैनिजम्स क्या है यानी कि किन किन ऐसे रेजिस्टेंट मकैनिज़म्स प्लांट में हैं जिनसे ड्रॉट से बचने के लिए प्लांट ट्राई करता है जब भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आती है हार्ड सिचुएशन आती है माइंड डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर हो रही हैं वट वी ट्राई हम ट्राई करते हैं हम अपना कोई पसंदीदा काम करें है ना जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो किसी को पेंटिंग पसंद है किसी को डांस पसंद है किसी को पढ़ना भी पसंद हो सकता है है ना कुछ लोग मेडिटेशन करना चाहेंगे कुछ लोग आउटिंग करना चाहेंगे चलो कहीं घूमने चलते हैं यार यहाँ तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है है ना तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है अपने स्ट्रेस को बस्ट करने का उसको रिलीव uh, करने का राइट तो सेम इज विद द प्लांट जब प्लांट स्ट्रेस में होता है तो वो कुछ मकैनिजम्स अपनाता है उससे बचने के लिए है ना वो कौन से कौन से मकैनिज़म्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले और सबसे इजी आता है एस्केप द सिचुएशन राइट चलिए एस्केप द सिचुएशन के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है ड्रॉट रेजिस्टेंस की क्योंकि हम ड्रॉट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं सो व्हाट इज ड्रॉट रेजिस्टेंस ड्रॉट रेजिस्टेंस इज अ mechanism कॉजिंग मिनिमम लॉस ऑफ ईल्ड इन आ ड्रॉट एनवायरमेंट जब ड्रॉट एनवायरमेंट हो तो प्लांट कम से कम ईल्ड लॉस करे थोड़ा बहुत हमेशा होगा है ना यू कैन नॉट बी एट योर हंड्रेड परसेंट अगर आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो आप हंड्रेड परसेंट कभी नहीं कर पाओगे नाइन्टी नाइन नाइनटी एट फिफ्टी सिक्सटी वट एवर बी द बेस्ट है ना तो प्लांट जो अपना बेस्ट दे सकता है या कम से कम ईल्ट रिडक्शन दे अगर एक प्लांट नॉर्मल हेल्दी इन्वायरमेंट में 10 क्विंटल की ईल्ड दे रहा है तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंस में 5 क्विंटल की दे रहा है 7 क्विंटल की दे रहा है या 9 क्विंटल की दे रहा है है ना तो सबसे कम लॉस कहाँ पर हो रहा है जो प्लांट नौ क्विंटल की दे रहा है कि सिर्फ एक ही क्विंटल का लॉस हुआ है है ना तो हम हमेशा प्लांट ब्रीडर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस लॉस को हमेशा कोशिश करें मिनिमाइज़ करने की कम करने की तीन तरीकों से इस लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है वन इज ड्रॉट एस्केप वन अनदर इज ड्रॉट अवॉइडेंस एंड थर्ड वन इज ड्रॉट टॉलरेंस और डिहाइड्रेशन टॉलरेंस या तो आप एस्केप कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं राइट तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं वॉट इज ड्रॉट एस्केप ड्रॉट एस्केप क्या होता है एस्केप करना है ना वो सिचुएशन से एस्केप कर गया इस फोटो में देखिए ये क्या कर रहे हैं ये मुर्गा इससे भाग रहे भैया मुझे काट देगा का भाग लेते हैं एस्केप कर लेते हैं है ना तो एस्केप वो सिचुएशन है जहां आप उस सिचुएशन को फेस ही नहीं कर रहे हैं राइट right? किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है अब यू नो कि सामने वाले से लड़ाई हो गई है अब हम फेस टू फेस आएंगे दोबारा लड़ाई होगी एंड बंद कर देते हैं ताकि फर्दर लड़ाइया ना हो तो आप क्या कर रहे हैं सिचुएशन को कर रहे हैं। आपका आमना सामना ही उस से नहीं हो रहा है दैट इज ड्रॉट एस्केप तो बेसिकली ड्रॉट एस्केप में प्लांट के पास कुछ भी स्पेशल नहीं है प्लांट के पास कुछ भी स्पेशल नहीं है वो क्या करता है भाई जब ड्रॉट आए उससे पहले अपना लाइफ साइकिल ही कंप्लीट कर लो ताकि ड्रॉट को फेस ही ना करना पड़े है ना इट इज़ अदरवाइज अ ससेप्टेबल प्लांट इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो इसको ड्रॉट से बचा सके और ये बात प्लांट को पता है इसलिए वो ड्रॉट के आमने सामने ही नहीं होता है ये कैसे पॉसिबल है ये पॉसिबल है विद द अर्ली मेचोरिंग वेराइटीज़ वो ऐसी वेराइटीज जो अपना लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट कर लेती हैं जल्दी मेच्योर हो जाती हैं तो अर्ली मेचोरिंग वेराइटीज लेट सीजन ड्रॉट आता है यानी कि जो क्रॉप के लास्ट में लाइफ साइकिल के लास्ट में ड्रॉट आता है एग्जाम्पल लीजिए वीट का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है वीट हम ऑलमोस्ट नवंबर में सोइंग करते हैं और मार्च के एंड और अप्रैल में उसको हार्वेस्ट करते हैं राइट right? अब मुझे पता है कि मेरे एरिया में अप्रैल में ड्रॉट आ जाता है मार्च तक सिचुएशन फिर भी संभाली जा सकती है ठीक है अब मुझे पता है कि मेरे एरिया में लास्ट में अप्रैल मंथ में ड्रॉट आ जाता है और मेरा जो वीट है वो अप्रैल तक जाता है हार्वेस्टिंग के टाइम पर अब अगर इस वीट की सोइंग डेट में थोड़ी आगे कर दूं मैं इसको अक्टूबर में सोइंग कर दूं तो ये अपनी लाइफ साइकिल मार्च में ही पूरी कर लेगा या फिर एक ऐसी वीट वैरायटी लूं जो कम टाइम में ही पककर तैयार हो जाती है है ना मान लीजिए वो 10 मार्च तक ही आ, जो है हार्वेस्ट करने के लायक हो जाती है पककर तैयार हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ प्लांट पहले ही मेचोर हो रहा है तो वो ड्रॉट को फेस ही नहीं कर रहा ड्रॉट तो अप्रैल में आएगा तो वो बिल्कुल ड्रॉट से अवॉइड कर एस्केप कर गया है, है ना तो इस सिचुएशन को हम क्या करते हैं ड्रॉट एस्केप इट इज अदरवाइज असेप्टेबल प्लांट बट ये ड्रॉट से फेस टू फेस ही नहीं होता उससे पहले ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है ये अर्ली मेचोरिंग वैरायटी में पॉसिबल है तो इस फिनोमिना को कहते हैं ड्रॉट एस्केप नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कहानी है डिहाइड्रेशन अवॉइडेंस, है ना अब देखिए ये ग्लास यहीं तक भरा है है ना ये ग्लास यहीं तक भरा है या फिर ये लगा लीजिए आपका बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है हमारा 37 डिग्री के आसपास रहता है धरती पर तो गर्मियाँ भी आती हैं गर्मियों में हमारा 45, 47 डिग्री टेम्परेचर भी होता है वहीं जब हमारी सर्दियाँ आती हैं तो 5 डिग्री टेम्परेचर तक भी चला जाता है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस सर्दी में भी गर्मी में भी तो हमारी बॉडी एक सेम टेम्परेचर मेंटेन कर रही है तो उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं प्लांट्स अपने वाटर लेवल को मेंटेन रखने की कोशिश करता है नो no मैटर बारिश ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है आई विल मेंटेन माय वाटर लेवल मैं अपना वाटर लेवल मेंटेन करके रखूँगा दिस इज अब अगर प्लांट अपना वाटर लेवल मेंटेन कर पा रहा है तो वो बेसिकली बाहर ड्रॉट है एनवायरमेंट में ड्रॉट है लेकिन प्लांट की बॉडी में तो ड्रॉट नहीं है राइट right? तो वो ड्रॉइड को क्या कर रहा है अवॉइड कर रहा है राइट right? होता है ना कोई इंसान आपके सामने बोले जा रहा है बोले जा रहा है एंड यू आर अवॉइडिंग दैट पर्सन तो आप उसकी बातों को जवाब ही नहीं दे रहे यू आर शोइंग कि आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है द सेम इज द डिहाइड्रेशन अवॉइडेंस है ना तो अवॉइडेंस क्या है प्लांट ट्राइज टू मेंॉटर लेवल चाहे बाहर कितना भी पानी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है वो अपना वाटर लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है और अगर प्लांट की बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन रहता है तो उसकी बॉडी में कोई ड्रॉट नहीं आता वो ड्रॉट को अवॉइड कर देता है तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है डिहाइड्रेशन अवॉइडेंस अब ये कैसे पॉसिबल है कि बाहर तो ड्रॉट आ रहा है और प्लांट में ड्रॉट नहीं आ रहा है हुँ? तो बिल्कुल पॉसिबल है दो तरीके से पॉसिबल है एक भी नहीं यहां पर आपने दो प्लांट्स के नाम सुने होंगे, सुनेर वाटर स्पेंडर्स एंड वाटर सेवर्स कुछ स्पेंड करना पसंद करते हैं और कुछ सेव करना पसंद करते हैं देखो अगर मेरा खर्चा है एक रुपया मेरा खर्चा क्या है एक रुपया और मेरी सैलरी है पचास पैसे तो मेरे पास दो सिचुएशन है या तो मैं एक्स्ट्रा काम करके एक रुपया कमाऊं ताकि मैं अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट कर पाऊं है ना? तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने पड़ेंगे या फिर मैं अपने खर्चे कम कर लूँ जितनी मेरी पचास पैसे सैलरी है मैं पचास पैसे का ही खर्चा करूँ दोनों सिचुएशन में चीज़ तो बैलेंस हो गई है है ना खर्चा और आपकी सैलरी जो है वो बैलेंस हो गई है द सेम इज सिचुएशन है वाटर स्पेंडर्स वाटर स्पेंडर्स क्या कहते हैं वाटर स्पेंडर्स कहते हैं कि भाई हम तो स्पेंड करेंगे हम हैं अमीर लोग है ना हम अपने खर्चे कम नहीं कर सकते हम तो स्पेंड करेंगे चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम क्यों ना करना पड़े तो वाटर स्पेंडर्स क्या करते हैं एक्स्ट्रा काम करते हैं यानी कि वो दूर दूर से पानी कलेक्ट करके लेके आने वाले हैं लेकिन अपना खर्चा कम नहीं करते हैं वही वाटर सेवर्स कौन से प्लांट होते हैं वाटर सेवर्स वो प्लांट होते हैं जो अपना खर्चा कम कर देते हैं अच्छा भाई इतना है तो इतने में काम चला लेते हैं है ना तो सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में होता है ट्रांसपीरेशन में है ना एवेपो ट्रांसपीरेशन में सबसे ज़्यादा पानी खर्च होता है 98 टू 99 परसेंट हमारा वाटर इवेपोरेशन में ही खर्च हो जाता है प्लांट को अपने लिए तो बहुत कम चाहिए होता है तो अगर हम इस ट्रांसपीरेशन यानी इस फालतू खर्चे को अगर कम कर लें तो प्लांट की बॉडी में ड्रॉट आएगा ही नहीं तो वाटर सेवर्स अपना ट्रांसपीरेशन कम करके अपना खर्चा कम करके अपने आप को बचाते हैं वही वाटर स्पेंडर्स कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन तो उतना ही करेंगे लेकिन हम थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें वाटर स्पेंडर्स कहते हैं द नेक्स्ट सिचुएशन इज ड्रॉट टॉलरेंस 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 का क्या मतलब है देखिए फर्स्ट में जो हमारी वैरायटी थी वो ड्रॉट को फेस टू फेस ही नहीं करती ड्रॉट आने से पहले वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है सेकेंड में ड्रॉट तो है एनवायरमेंट में लेकिन प्लांट की बॉडी में नहीं है थर्ड सिचुएशन इस प्लांट की बॉडी में भी ड्रॉट है प्लांट की बॉडी में भी वाटर की कमी है लेकिन प्लांट फिर भी अच्छी ईल्ड दे पा रहा है ऐसे प्लांट को कहते हैं ड्रॉट टॉलरेंस और डिहाइड्रेशन टॉलरेंस है ना तो डिहाइड्रेशन टॉलरेंस क्या है डिहाइड्रेशन टॉलरेंस ऑफ अ जीनोटाइप मींस दैट लेवल ऑफ चेंजेस इन दैन अनदर जीनोटाइप है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट लोअर लेवल के चेंजेस दिखते हैं ड्रॉट की वजह से और ये ज्यादातर ड्रॉट को झेल पाता है और उतनी ही ईल्ड दे पाता है जितनी वो हेल्दी एनवायरनमेंट में दे रहा था मतलब उसे थोड़ी कम होगी बट ज्यादा कम नहीं होगी ज्यादा फर्क नहीं होगा सो दिस इज डिहाइड्रेशन टॉलरेंस राइट right. तो टॉलरेट कैसे करेगा यानी कि जब पानी की कमी है कुछ लोग होते हैं ना बिना खाए पिए भी उतना ही काम कर लेते हैं जितना डेली बेसिस पर कर रहे हैं यानी कि वो टॉलरेंट हो गए हैं उनकी बॉडी एफिशियट हो गई है उनकी बॉडी में कुछ इस तरीके के हॉर्मोन्स और मिनरल्स और वेल बैलेंस सिस्टम है कि अगर वो दो दिन खाना ना खाएं वो तब भी उतने ही एनर्जेटिक रह सकते हैं है ना तो वो इनबिल्ट है वो नेचर ने इनबिल्ट करके भेजा है वो होता है टॉलरेंस है ना तो डिहाइड्रेशन टॉलरेंस जनरली इनबिल्ट सिचुएशन होती है एक प्लांट की कि उसका बिल्डिंग मटेरियल जो है वो अच्छी कंपनी का है हेल्दी है तो वो उस सिचुएशन को झेल पाता है नेक्स्ट मूविंग दीस आर द टू सिचुएशन अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस है ना मैंने अभी बताया आपको दोनों होते हैं अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस अवॉइडेंस में क्या होगा अवॉइडेंस में आपको प्लांट uh, उस वाटर लॉस से कम्बैक्ट करने की कोशिश करेगा जैसे कि वाटर स्पेंडर और वाटर सेवर्स में होता है है ना डीप रूट सिस्टम बिल्डअप करना वैक्सी लेयर बिल्डअप करना यानी कि कोई अपने तरीके ढूंढना जिससे पानी या तो बचाया जा सके या पानी ज़्यादा कलेक्ट किया जा सके ताकि प्लांट की बॉडी में ड्रॉट ना आए उनको हम अवॉइडेंस में डालते हैं इस में के अंतर्गत जनरली जो प्लांट्स हैं वो अपने बायोमास को कम कर देते हैं अपनी कैनोपी को कम कर देते हैं और आ, कुछ बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि माइक्रोराइजिया है ना फंगल कॉलोनीज ये उनको असिस्ट करती हैं सपोर्ट करती हैं और इसमें आपको ए बी ए हारमोन ज़्यादा एक्यूमुलेटेड दिखाई देता है ए बी ए हारमोन को स्ट्रेस हारमोन भी कहते हैं ABA हार्मोन को बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये ठीक है ABA हार्मोन को क्या कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन यानी कि जब भी प्लांट में स्ट्रेस होगा तो ABA हार्मोन रिलीज होता है एब्सिसिक हार्मोन रिलीज होता है चाहे वो ड्रॉट स्ट्रेस हो चाहे वो चिलिंग स्ट्रेस हो ABA हार्मोन हमेशा रिलीज होता है ABA हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है कुछ प्रो, प्रोटींस बनाने के लिए उन जीन्स को हम कहते हैं ए बी ए रेस्पॉन्सिव जीन्स ए बी ए रेस्पॉन् जीन्स और ए बी आर जीन्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि ए बी ए के एक्मलेशन से ही बिल्ट होते हैं है ना तो उसकी वजह से काफी सारे जीन्स और एक्टिव हो जाते हैं जो प्लांट को पानी सेव करने में जैसे कि स्टोमेटल क्लॉजिंग में हेल्प करती है जिससे ट्रांसपिरेशन लोसेस कम हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ टॉलरेंस की अगर हम बात करें तो टॉलरेंस मैंने कहा था इनबिल्ट स्ट्रक्चर है है ना इनबिल्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है एक्वापोरेंस और डिहाइड्रेंस ज्यादा हो है ना आपके जो प्लांट की एनाटमी है उसमें कंडक्ट्स हैं उसमें पानी स्टोर अच्छे से हो जाता है ज़्यादा टाइम के लिए हो जाता है आपके जो प्लांट के सेल्स हैं सेल के ऊपर जो सेल वॉल है सेल मैम्ब्रेन है उनकी इंटीग्रिटी बेटर मेंटेन रहती है है ना बहुत ही वेल well स्ट्रक्चर्ड जो है सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है जिससे लीकेज नहीं होती तो वाटर लॉसेज नहीं होते हैं है ना तो ये प्लांट के इनबिल्ट स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आप जो है कुछ आपके प्रोटीन्स जैसे कि लिया प्रोटीन्स वगैरह भी मिलते हैं है ना तो कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर सिंथेसाइज़ होते हैं जिनको हेल्प करते हैं कि ये ड्रॉट सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाते हैं और पानी की स्कैरसिटी में कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे पाते हैं उनमें से एक और चीज़ यहाँ पर आती है वो होती है स्टेम मोबालाइजेशन स्टेम मेटाबोलाइट्स जो होते हैं है ना कुछ खाना प्लांट अपने फ्रूट्स में ना स्टोर करके अपनी स्टेम में स्टोर करता है वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है अब इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन तो ड्रॉट जैसी सिचुएशन में क्या करता है जो आपके स्टेम रिजर्व हैं जो उसने मुसीबत के काम के लिए रखे हुए थे उनको ये मोबिलाइज करता है उनको फ्रूट्स की तरफ ईल की तरफ क्या करता है भेज देता है यानी कि सिंक की तरफ भेज देता है है ना तो उससे स्टेम रिजर्वेशन तो खत्म हो जाती है लेकिन हमारी ईल पर कम असर पड़ता है है ना क्योंकि उसने अपने जो मेटाबोलाइट थे वो ईल की तरफ भेज दिए तो ईल का जो लॉस होने वाला था वो कम हो गया है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा फूड कहाँ से मिल गया स्टेम से मिल गया है तो इनकी वजह से ये जो प्लांट है ये कम वाटर में भी बेटर ईल्ड दे पाता है ठीक है अब नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ वाटर स्पेंडर्स जैसे कि मैंने आपको बोला था है ना डिफरेंट रूट सिस्टम्स होते हैं प्लांट के स्पेंडर्स का, का काम क्या है हम उतना ही स्पेंड करेंगे जितना कर रहे थे चाहे हमें एक्स्ट्रा काम क्यों ना करना पड़े तो एक्स्ट्रा काम मतलब क्या प्लांट हमारी तरह चल तो कहीं से पानी ढूंढ नहीं लेके आ सकता है वॉट इट इल इट इज गोइंग टू डू इट इज़ डेवलपिंग इट्स रूट सिस्टम है ना ये अपना रूट सिस्टम डेवलप करता है तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी हमारी रूट लेंथ है ना रूट लेंथ एंड रूट डेंसिटी दो चीजें होंगी है ना भई अपनी रूट थोड़ी लंबी करेगा आप देखो ये प्लांट है ये प्लांट सिर्फ यहीं तक पानी ले सकता है जो ग्राउंड में यहां तक पानी है वही इस प्लांट की रूट यहां तक है यानी कि ये बहुत डीप तक पानी लेकर आ सकता है और अंडरग्राउंड तो पानी होता ही है हमारी जमीन में है ना साथ ही साथ डेंसिटी अब ये देखिए इसकी डेंसिटी बहुत कम है बहुत स्पार्स रूट सिस्टम है इस प्लांट की तो डेंसिटी भी इससे ज़्यादा है देखिए कितनी सारी डेंसिटी है है ना है यहीं तक लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है तो बेसिकली रूट डेंसिटी या रूट हेयर्स ज़्यादा हो या रूट की लेंथ ज़्यादा हो रूट स्प्रेड ज़्यादा करे है ना डीप रूट सिस्टम्स हो और डेंसिटी अच्छी हो तो जो आपका प्लांट है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा अंडरग्राउंड वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा और अपनी मर्जी से ज्यादा स्पेंड भी कर पाएगा है ना तो इट अवॉइड्स द ड्रॉट सिचुएशन बाय कलेक्टिंग एक्स्ट्रा वाटर थ्रू द रूट सिस्टम ठीक है फिर होते हैं वाटर सेवर्स, यानी कि जो पानी बचाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी होती है धूप होती है तो क्या होता है प्लांट्स के लीफ इस तरीके से रोल हो जाती है क्यों होती है ये रोल कभी सोचा आपने इसके वजह से क्या होता है जब लीफ का ये एरिया है है ना जब लीफ रोल होती है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है लीफ के रोल होने से जब सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा है ना इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होता है जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है इसीलिए जब हम कपड़े सुखाते हैं धो करके तो उन्हें फैला फिला कर सुखाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और कपड़ा जल्दी से सूख जाए तो इसको अपना सरफेस एरिया कम करना है तो ये रोलिंग कर देते हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपीरेशन रिड्यूज हो जाता है वाटर लॉसेस कम हो जाते हैं एंड ऑफकोर्स दान दिस्टमर्स अगर हम अपने स्टोमेटा ही क्लोज कर लें है ना स्टोमेटा क्लोज करेंगे तो क्या होगा ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा हमारे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डेजर्ट में होते हैं जो डे टाइम में पूरा दिन स्टोमेटा क्लोज रख लेते हैं और सिर्फ रात को ही स्टोमेटा ओपन करते हैं फॉर द गैसियज एक्सचेंज है ना तो ऐसे प्लांट्स को हम कैम प्लांट्स कहते हैं सी ए एम राइट वही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि दिन के टाइम ओपन तो करते हैं लेकिन बहुत सुबह शाम ओपन कर लिया है ना ज्यादा टाइम के लिए ओपन नहीं किया कम टाइम के लिए ओपन करते हैं लेकिन ओपन कर लेते हैं है ना इनको हम जीरो फाइट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं यानी कि वो प्लांट्स जो डेजर्ट में उगाए जा सकते हैं उन्हें हम जीरो फाइट्स कहते हैं कैंप्स केन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज जीरो लेकिन कैंप एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है जो दिन में अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात को ही अपने स्टोमेटा खोलते हैं वही कुछ आपने इस तरीके के लीफ देखी होंगी बिल्कुल चमकती हुई है ना ये ऐसा क्यों होता है इस लीफ के ऊपर वैक्सी लेयर होती है एक मोटी सी वैक्सी लेयर होती है और ये वैक्सी लेयर की वजह से ट्रांसपीरेशन कम हो जाता है लीफ से और कैक्टस तो आप सभी लोगों ने देखा है ना सक्यूलेंट लीव्स मोटी लीफ होना है ना और ये जो आपके लीव्स हैं ये रोल होना या गोल गोल होना या स्पाइन लाइक होना है ना भाई एक लीव ऐसे हो और एक लीव ऐसे स्पाइन जैसी हो तो इसका एरिया कम होगा तो ट्रांसपीरेशन कम होगा क्योंकि कैक्टस प्लांट में आप देख सकते हैं ना दे आर नॉन एज जीरो फाइट्स राइट right? तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं प्लांट की अपने वाटर सेव करने की अपने खर्चे कम करने की ताकि उसकी बॉडी में वाटर स्ट्रेस ना आए और वो इस सिचुएशन को अवॉइड कर जाए राइट right? तो इन्हें कहते हैं वाटर सेवर्स क्योंकि वाटर सेव कर रहे हैं सो ऑन द होल अगर हम समरी देखें ड्रॉट रेजिस्टेंस की एस्केप अवॉइडेंस एंड टॉलरेंस एस्केप में आप अर्ली मेचोरिंग वेराइटीज ले सकते हैं या फिर सोइंग डेट्स को चेंज करके जो लेट सीजन ड्रॉट आता है उसको अवॉइड कर सकते हैं एस्केप कर सकते हैं जस्ट वी आर नॉट फेस टू फेस टू द ड्रॉट जो प्लांट है वो ड्रॉट से फेस टू फेस ही नहीं हो रहा है सेकेंड इज ड्रॉट अवॉइडेंस अवॉइडेंस में वाटर सेवर भी हो सकते हैं जो अपना मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस वाटर लॉस को कम करते हैं कैसे कैसे कम कर सकते हैं स्टोमेटा क्लोज करके कर सकते हैं लीफ रोलिंग से कर सकते हैं लीफ वैक्सीनेस से कर सकते हैं है ना ओल्डर लीफ होती तो उन्हें गिरा देते हैं भाई इन लीफ की कोई ज़रूरत नहीं है इनको गिरा दो ताकि लीफ सरफेस एरिया कम हो जाए है ना और लीफ एरिया रिड्यूज़ हो सके अदर इज़ द मैक्सिमाइजिंग द वाटर अपटेक है ना हम तो भाई खर्चा उतना ही करेंगे चाहे हमें एक्स्ट्रा लेकर आना पड़े दैट कैन बी विद द डीपर टैप रूट सिस्टम जितना डीपर रूट सिस्टम होगा रूट डेंसिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर आपका वाटर अपटेक मैक्सिमाइज़ हो जाएगा एंड द थर्ड सिचुएशन इज़ द टॉलरेंस सिचुएशन टॉलरेंस सिचुएशन में प्लांट बेटर ओसमो रेगुलेशन कर सकता है प्लांट की जो uh, सेल वॉल इंटीग्रिटी है सेल मैमब्रेन इंटीग्रिटी है है ना सेल मैमब्रेन इंटीग्रिटी है वो अच्छी होती है स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें आपको कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं जो कि स्केवेंजिंग का काम करती है है ना और इस तरीके के जो फिनोमिना है वो टॉलरेंस में बेटर टोलरेट करने में काम आते हैं ताकि जो प्लांट है वो सेम ड्रॉट कंडीशन में उसे ड्रॉट कंडीशन फील हो रही है लेकिन वो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है फिर भी वो टिका हुआ है है ना तो ये टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं सो दीज आर द मेजर मकैनिज्म ऑफ ड्रॉट टॉलरेंस ए बी आर जीन्स का नाम यहाँ आप सबसे ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि ये वो जीन्स हैं जो ए बी ए हारमोन की वजह से एक्टिवेट होती हैं और ए बी ए हारमोन को स्ट्रेस हारमोन कहते हैं ठीक है तो इसमें ऑस्मोटिन है लिया प्रोटीन है और अदर प्रोटीन्स हैं डिहाइड्रेंट प्रोटीन्स हैं ये जो हैं प्रोड्यूस होते हैं जो प्लांट को हेल्प करते हैं टू कॉम बैक द वाटर लॉसेस राइट तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को इस समराइज्ड पीपीटी या आ, स्लाइड के साथ जो है खत्म करते हैं डिज आर योर अदर बैचेस गाइड न्यू वेकेंसी फॉर यू सेंट्रल वे हाउस कॉरपोरेशन सी डब्ल्यू सी इसका बैच भी जो है आपका उपलब्ध है यू कैन हैव दिस एनरोल इन योर एप्लीकेशन एप्लीकेशन के द्वारा आप एनरोल कर सकते हैं बाकी आई बी पी एस एफ ओ नाबार्ड नाबार्ड का भी आपका नया बैच जो है ग्यारह सितम्बर से शुरू होने जा रहा है सो इफ यू आर फीलिंग नाबार्ड ऑल्सो आप न्यू बैच में एनरोल कर सकते हैं है ना और इन सभी बैचेज के प्राइस जो है यहाँ पर मैंशन है साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में इनरोल कर सकते हैं जहाँ पर आपको इस सारे बैचेस एक जगह मिलेंगे चाहे वो नाबार्ड का हो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन का हो एन का हो सभी के जो आपके बैच बैचेस बैचे हैं वो एक जगह मिलते हैं एंड दैट इज़ एग्रीकल्चर महापैक ना सिर्फ बैचेस इनके टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी आपको इसमें उपलब्ध होती है इसकी जो पूरे साल की फीस होती है होती है सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नाइन लेकिन इतने में आपको सारे बैचेस की पेड क्लासेस टेस्ट सीरीज और ई बुक्स सारी चीजें आपको मिल रही हैं फॉर द डिस्काउंट यू कैन यूज द कोड वाई फोर चार प्लस चार आठ होते हैं इस कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू एनरोल एनी ऑफ द बैचेस कोई भी बैच है यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ ऑन ऑल योर बैचेस विद दिस कोड आपके ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है इस पर क्लिक कीजिए एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनिए और बैचेस में एनरोल कीजिए Y448 लगा करके द 78% डिस्काउंट How do you feel about these classes? Any questions and uh, queries related to the subject or the topic? You can mention in the comment box. Or kaisi lag rahi hai? Ye to bilkul mention kariye. Your feedback is important. Achhi hai, buri hai. Or you want something else? You should mention in the comment box. Jo bhi log ASRB net. जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट साइंसेस से तैयारी करें उनके साथ ही क्लासेस जरूर शेयर करें और प्रयास यानी कि कोशिश करते रहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गुड बाय एंड टेक केयर